गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पिनाकल कोचिंग। तो जनरल अवेयरनेस की क्लासेस मैं आपके यहाँ पे ले रही हूँ, तो थर्ड क्लास मेरी यहाँ पे चल रही है, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ ताकि आज की क्लास हम स्टार्ट कर सके। गुलाम, गौरी, प्रतीक, वेरी गुड इवनिंग। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए ताकि हम आज की क्लास हमारी अच्छे से स्टार्ट हम कर सके। प्रतीक पूछ रहे हैं कि मैम सीजीएल का ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए। देखिए, हर एग्ज़ाम का हर साल जो है ट्रेंड चेंज होता है, पैटर्न क्वेश्चंस का काफ़ी डिफरेंट आता है, तो ऐसे में एक ही सॉल्यूशन आप कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक्स इंक्लूड कीजिए, जो स्टडी मटेरियल आपका है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को आप स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को आप कवर करने की कोशिश कीजिए। यही एक सॉल्यूशन है कि एग्ज़ाम का पैटर्न अगर डिफरेंट आता है तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने टॉपिक्स आप रीड करेंगे, जितनी चीज़ें आपके सिलेबस आपका वास्ट होगा, तो उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे सिलेक्शन के। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, अभिलेश पांडे गुड इवनिंग, प्रगति सभी को गुड इवनिंग। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, कौन सा इनमें से जो है वो मेल नहीं खाता है। देखिए, इस साइड आपको ऑर्गन्स दिए गए हैं और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपको उनकी बोन्स दी गई, हड्डियां दी गई है, तो आपको मैच करना है कि जो हड्डी आपको यहां पे गिवन है ये इन ऑर्गन्स के साथ मैच करती है या नहीं करती, ये आपको इस क्वेश्चन में देखना है। तो देखिए, मेलस जो बोन होती है वो ईयर की बोन होती है, बिल्कुल सही है। ईयर में कौन कौन सी बोन्स होती है, मेलस होती है, स्टेपस होती है और इनकस बोन होती है। आपको तीनों बोन याद रखनी है, ईयर की कान की बोन्स आपकी है, मैक्सिला बोन कहां की है, ये क्रेनियल बोन की, बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, ये क्वेश्चन ये हमारा गलत होगा। ल्यूनेट जो है कार्पल बोन है, कार्पल कहाँ होती है, आपके हैंड्स की बोन है ल्यूनेट। लेकिन मैक्सिला जो बोन होती है वो आपकी क्रेनियल बोन नहीं है, वो आपकी फेस की बोन है, फेशियल बोन आप उसको कहेंगे। तो मैक्सिला जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। आपको इनकरेक्ट मैच यहाँ पे पहचानना था, तो मैक्सिला जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि मैक्सिला कहाँ की बोन है, वो आपके फेस की बोन है, फेशियल आपकी बोन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इन डाइकोट्स द पोलन ग्रेन्स पोजेसिस। आपसे पूछा गया कि द्वि बीजीय पत्र में परागकणों में होता है क्या होता है, कितने जर्म स्पोर प्रेजेंट होते हैं, तो कितने प्रेजेंट होते हैं, देखिए 3 जर्म स्पोर। डाइकोट क्या होता है, डाइकोट क्या होता है, जैसे एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ। मटर देखा होगा आपने, पीनट आपने देखे होंगे, तो उनके जो सीड जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो हिस्से में डिवाइड होता है, तो डाइकोट का मतलब यही होता है, डाई मतलब दो, दो अगर किसी सीड के पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उसको डाइकोट कहते हैं। मोनोकोट की एक पूरा सीड है जो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता, वो मोनोकोट होता है। तो डाइकोट में आपसे पूछा गया था कि पोलन ग्रेन्स, जहाँ पे पोलिनेशन होता है, तो पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर में कितने जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, पोलन ग्रेन्स में जर्म पोर क्या होता है, मान लीजिए ये आपका पोलन ग्रेन है, तो इसमें से एक पोलन ट्यूब निकलती है, तो उस ट्यूब की ओपनिंग की कितनी जगह से वो ट्यूब ओपन हो रही है, खुल रही है, उसको कहा जाता है जर्म पोर। तो इसके अंदर कितने जर्म पोर होते हैं, 3 जर्म पोर होते हैं डाइकोट के अंदर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मोनोकोट, तो मोनोकोट के अंदर कितने पोलन जर्म पोर्स होते हैं, 1 होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, उषा, सुदीप, आयुष, बिल्कुल सही जवाब आपका। आयुष पूछे मैम हाउ आर यू, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेप्टेबल नॉइज पोल्यूशन लेवल इन इंडिया रेंज बिटवीन। आपसे पूछा गया है कि भारत के अंदर एक स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है, कितने वैल्यू तक हम लेते हैं, तो कितनी वैल्यू है हमारी नॉइस पोल्यूशन की, एक्सेप्टेबल वैल्यू है हमारी 40 से लेके 45 डेसिबल तक, इतनी जो नॉर्मल वैल्यू जो है ये एक्सेप्टेबल वैल्यू मानी गई है नॉइस पोल्यूशन लेवल के लिए। इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो इसका मतलब कि आपका नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटर्नैलिटी थ्योरी इज द बेसिक थ्योरी ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। आपसे पूछा गया है कि जो एक्सटर्नैलिटी जो थ्योरी है वो कौन सी इकोनॉमिक्स की कौन सी ब्रांच की थ्योरी है, ये आपको नाम बताना है, उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा, ये जो इन्वायरमेंटिक्स जो है पारिस्थितिकी की एक ब्रांच है। देखिए, एक्सटर्नैलिटी क्या होता है कि बाहरी कारक क्या, जैसे प्रदूषण आपको हो रहा है, प्रदूषण एक बाहरी कारक है, लेकिन उसका जो इफेक्ट्स जो होते हैं आपको हर इंसान के ऊपर देखने को मिलते हैं, चाहे एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबके ऊपर आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, एक बाहरी कारक होती है जिसका हर जाना आपको भुगतना पड़ता है, जैसे पोल्यूशन हो गया, ठीक है,
कोई भी आपदा अगर आ जाती है तो ये सब क्या है, एक्सटर्नलिटीज़ है। और ये किसके अंदर आते हैं, पारिस्थितिकी अंतर, मतलब इन्वायरमेंट में कोई भी बाहरी कारण जो आपको अफेक्ट कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कहा जाता है, उस ब्रांच को इन्वायरनॉमिक्स कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपका, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, द स्टे अबव स्टेटमेंट इज मेड बाय, आपको कहा गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी। तो ऑप्शन डी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों कहा था कि उन्होंने कि टेंपल्स जो है वो आधुनिक भारत के मंदिर है, क्योंकि सॉरी टेंपल्स नहीं, जो बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि इनसे डेवलपमेंट होगा, भारत का डेवलपमेंट होगा, रोजगार आएगा, तो इस वजह से उन्होंने इनको कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट्स, आपसे ही पूछा गया कि डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी लैंग्वेज क्या होती है। इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल लैंग्वेज जो होती है वो कौन सी होती है। ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर जो होता है वो इंफॉर्मेशन कौन सी फॉर्म में कोड करता है, जीरो या वन, इसी से आपके लैपटॉप कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो आपको सिर्फ बाइनरी याद रखना है, जीरो एंड वन भी याद ना रहे आपको, तो आपको सिर्फ एक बाइनरी वर्ड यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हु वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है एक राजनेता नहीं थे, तो कौन से ऐसे इंसान है जो कि एक राजनेता नहीं रहे हैं। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से एक ऑप्शन चूज कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। आप पूछिए कि क्या सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा, इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल भगुना जो थे वो क्या थे, वो एक राजनेता नहीं थे, वो एक समाज सेवक थे। उन्होंने चिपको आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, तो चिपको मूवमेंट जो था इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1973 के अंदर। तो एसएल भगुना जो थे वो चिपको मूवमेंट से संबंधित समाज सेवक थे। बाकी जो आपको नाम दिए गए हैं, आई के गुजराल जो थे, आई के गुजराल कौन थे, ये इंडिया के 12th प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये भी पॉलिटिशियन थे। जयललिता आपको पता है तमिलनाडु की फॉर्मर सीएम थी ये। और जो एच एन भगुना जो हैं ये कौन थे, ये यूपी के सीएम रह चुके हैं। तो ऑप्शन बी जो है, एस एल भगुना जो है वो एकमात्र ऐसे इंसान है जो कि एक राजनेता एक पॉलिटिशियन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु गेव द टाइटल ऑफ महामना टू मदन मोहन मालवीय, महामना का उपाधि किसने दी थी मदन मोहन मालवीय को, तो ये उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मदन मोहन मालवीय जो है वो सबसे सीनियर थे, तो उन्होंने उनको उपाधि दी थी महामना की। तो ऑप्शन सी जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि द फर्स्ट हिंदू अमेरिकन टू एंटर द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एज सीनेटर इज, आपसे पूछा गया है कि सीनेटर के रूप में अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रवेश करने वाले पहले हिंदू अमेरिकी कौन थे। उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है, तो कौन थी जो पहले अमेरिकी हिंदू अमेरिकी थे, तो ऑप्शन डी तुलसी गैबार्ड जो थे ही वॉज द फर्स्ट हिंदू अमेरिकन टू एंटर इन टू द US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एज सीनेटर। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, पिक आउट द करेक्ट मैच, आपसे पूछा गया है कि सही मिलान का यहाँ पे आपको चयन करना है। कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे फ्लैशी फूड आपको दिया गया कि मांस वाले खाद्य पदार्थ उनमें क्या होता है, कैल्शियम प्रोटीन होता है, तो ये क्या है सही जवाब है, ठीक है, सॉरी ये गलत जवाब है। फिश जो होता है उसके अंदर स्टार्च एंड वाइटामिन होते हैं, ये भी गलत जवाब है। मिल्क जो होते हैं उसमें फाइबर्स एंड मिनरल्स होते हैं, ये भी गलत जवाब। मिल्क में बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन डी जो है आपका एग में कितने बार कहा जाता है कि एग खाना चाहिए, काफ़ी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है एग के अंदर, तो ऑप्शन डी जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। एग के अंदर फैट और प्रोटीन दोनों काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। Now move to the next question. Who was the Viceroy at the time of Quit India Movement? आपसे पूछा गया है कि Viceroy कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो कौन थे Viceroy उस टाइम पे,
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जो लॉर्ड लिन लथिंगो जो थे वो उस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, एक तो आपको डेट याद होनी चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए कॉल किया था। तो इनका कार्यकाल आपको अगर याद रखना हो तो 1936 से लेकर 1943 के बीच में ये वॉयसरॉय थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वॉयसरॉय कौन थे, लॉर्ड लिन लथिंगो जो थे वो वॉयसरॉय थे एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये एक्सपेंड द टर्म आईपीसीसी, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा आईपीसीसी का मतलब क्या होता है। तो आईपीसीसी की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन सी, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बारे में देखिए एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि ये एक यूएन की संस्था है, यूनाइटेड नेशन जो है उसकी ये एक संस्था है, और ये कब इसका निर्माण हुआ था, 1988 के अंदर इसको बनाया गया था, और कौन से दो संस्थाओं से मिलकर ये बनी है, WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो आपको WHO और UNEP याद रखना है, यहाँ पे इससे मिलकर बना है। तो कब बनाया गया था ये पैनल, 1988 में, 1988 में बनाया गया था। तो ऑप्शन सी जो आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज, आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार का अधिनियम जो 1935 का अधिनियम है वो निम्न में से किससे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो किसने ये स्टेटमेंट दी थी, किसने कहा था गुलामी का अधिकार पत्र, तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ये कहा था, जो ये एक्ट बनाया गया था इसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी थी इसको रोकने के लिए, फिर भी जो ब्रिटिश इंडिया ने इस एक्ट को पारित किया गया था, तो इस एक्ट के पारित होने के बाद उन्होंने कहा था कि यह तो गुलामी का एक अधिकार पत्र है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि यह पारित हो, लेकिन जबरदस्ती इसको थोप दिया गया था कांग्रेस के ऊपर, तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दी थी कि यह तो गुलामी का एक अधिकार पत्र है। तो ऑप्शन सी जो आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, इंडोसल्फान स्प्रे ऑन कैशू क्रॉप्स रिजल्टेड इन अ पोल्यूशन टू द ट्यून ऑफ ट्रेजेडी इन, आपसे पूछा गया है कि काजू की जो फसल होती है उस पर इंडोसल्फान का स्प्रे करते हैं तो उसमें प्रदूषण के परिणाम स्वरूप त्रासदी कहाँ पे हुई, तो कौन से स्टेट के अंदर त्रासदी हुई एंडोसल्फान स्प्रे की वजह से, ये हुई आपके केरला में, तो केरला स्टेट के अंदर ये त्रासदी हुई थी। केरला में कासरगोड एक जगह है, कासरगोड एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या हुआ था कि काजू की जो क्रॉप फसल जो थी वहाँ पे स्प्रे को किया गया था, तो काफ़ी मात्रा में किसानों की वहाँ पे मौत हो गई थी क्योंकि बहुत ही जहरीली ये स्प्रे है, तो इस वजह से ये कहाँ पे हुआ था, ये केरल के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शनल फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद, आपसे पूछा है कार्यात्मक वित्त का संबंध किससे है, जल्दी से जवाब दे किससे संबंध है कार्यात्मक वित्त का, चार ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे हम बताएंगे, ये है ऑप्शन डी, अब्बा पी लर्नर जो थे उन्होंने ये टर्म दी थी फंक्शनल फाइनेंस। फंक्शनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी किसी देश की एक सरकार जो है उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए, जैसे रोजगार देने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन सब के लिए अपने पास उनके पास धन होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, तो उस फाइनेंस को कहा गया था फंक्शनल फाइनेंस। और ये किसके द्वारा ये टर्म दी गई थी, ये दी गई थी अब्बा पी लर्नर के द्वारा ये टर्म दी गई थी। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई ट्रिक काम नहीं आती, आपको कुछ समझने का नहीं होता, आपको बस उनके डायरेक्ट उनके ऑथर हो, जैसे बुक्स के ऑथर होते हैं, या ये टर्म किसके द्वारा दी गई, डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, तो आपको उनके नाम यहाँ पे याद रखने होते हैं, तो आप तीन चार बार रिवाइज कीजिए इस नाम को तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि फेराइड इज द यूनिट ऑफ, आपसे पूछा गया है कि फेराइड किसकी इकाई है, किसको मापने की इकाई है, तो कैपेसिटेंस जो धारिता जो होता है उसको मापने की इकाई है फेराइड। देखिए मैं आपको और इकाई बता देती हूँ कि रेसिस्टेंस को मापने की, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, इसको मापने की इकाई है ओम, OHM, ओम जो इकाई है वो रेसिस्टेंस को मापने की इकाई है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम दूसरा,
कि इंडक्टेंस को मापने की इकाई क्या है, हेनरी। हेनरी जो इकाई है वो इंडक्टेंस को मापने की है, और कंडक्टेंस को मापने की इकाई है सीमेंस। तो आपको तीनों इकाई यहाँ पे याद रखनी है, रेसिस्टेंस को मापने की इकाई है ओम, इंडक्टेंस की हेनरी और कंडक्टेंस की सीमेंस। तो आपको चारों यहाँ पे याद होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए मैंने अभी आपको समझाया कि वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको इनको डायरेक्ट आपको इनका याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो इसके लिए सही जवाब होगा। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर वो एक नॉर्मल प्रिंटर क्या होता है कि आपने इंक डाला प्रिंटर के अंदर, आपका जो भी डेटा है वो प्रिंट होकर आ जाता है। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है उसके अंदर इंक की जगह कुछ सुई लगी होती है, नीडल लगी होती है, उस नीडल से वो वर्क करता है, तो उनको कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें इतना ज़्यादा समझने के लिए नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप इसका डायरेक्ट इसका नाम याद रख सकते हैं कि डेजी व्हील प्रिंटर जो है इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट इज, आपसे पूछा गया कि अमोनियम सल्फेट जो है उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो कितनी मात्रा होती है नाइट्रोजन की, 27%। तो अमोनियम सल्फेट के अंदर 27% मात्रा में होता है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपराधे उषा, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है पिछले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का भी आप जवाब दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, आइडेंटिफाई द ओड टर्म अमंगस्ट द फॉलोइंग ग्रुप, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित समूह के बीच विषम शब्द को पहचाने, कौन सा एक ओड यहाँ पे आपको दिया गया है वो आपको इसमें पहचानना है। ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर वायर, माइक्रोवेव्स, कोएक्सियल केबल, तो कौन सा है जो इन तीन चारों में से मैच नहीं खाता, जो थोड़ा सा अलग है। तो कौन सा है, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, रेडिएशंस होती हैं। और बाकी के तीन नाम जो आपको दिए गए, ऑप्टिकल, ट्विस्टेड और कोएक्सियल, ये क्या है, केबल, वायर जो होती है घरों में, वायरें जो यूज होती हैं ये उनके नाम है। तो कोएक्सियल जैसे जो कॉपर की वायर होती है उसको कोएक्सियल वायर कहा जाता है, ऑप्टिकल आप सभी को पता है ग्लास फाइबर की बनी होती है, लेकिन माइक्रोवेव जो है वो एक रेडिएशन, एक रेडियो वेव है। तो ये इसमें क्या हुआ, एक ओड वन हुआ। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा। विवेक वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाइए और क्वेश्चन को आंसर कीजिए। Who was the other Congress leader who joined with Motilal Nehru to start the Swaraj Party in 1923? आपसे ये पूछा है कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 के अंदर, तो पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ दूसरे कांग्रेसी कौन शामिल थे, उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन शामिल थे, चित्रंजन दास जो थे उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 में क्या होता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना यहाँ पे होती है, क्यों होती है, क्योंकि गांधी जी का जो चोरा चोरी हत्याकांड की वजह से गांधी जी ने जो अपना आंदोलन चलाया था उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि चोरा चोरी हत्याकांड वहां पे देखने को मिलता है। तो इसके विरोध में मोतीलाल नेहरू, चित्रंजन दास जो थे वो, उनको ये लग रहा था कि गांधी जी ने अपना आंदोलन क्यों रोक दिया, इससे तो हमारा, हम ब्रिटिश को कभी मतलब उनको हरा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कांग्रेस से अलग हो गए, एक पार्टी की स्थापना की 1923 में, जिस पार्टी का नाम दिया गया स्वराज पार्टी। और उसमें कौन कौन सदस्य थे, चित्रंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, और वहां पे एक नाम और आपको याद रखना, नरसिम्हन भी वहाँ पे आपको नाम यहाँ पे याद रखना। तो इन तीनों के नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए, जवाहरलाल नेहरू ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, एक जवाहरलाल नेहरू भी इस पार्टी में शामिल थे, वो भी महात्मा गांधी जी से थोड़े से खफा थे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्राइंड और इनकॉर्पोरेटेड, संविधान के कौन से पार्ट में जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो दिए गए हैं। तो कौन से पार्ट में दिए गए, कि फोर्थ ए जो पार्ट है संविधान का, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ ए पार्ट के अंदर हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 के अंदर, उसके अंदर हमारे संविधान में 10 हमारे मौलिक कर्तव्य उन्होंने डाले गए कि 10 मौलिक हमारे कर्तव्य हर भारतीय को निभाने जरूरी हैं। और इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये इंक्लूड किया गया था। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल की अगर आपसे पूछा जाए तो 51A आर्टिकल जो है उसके अंदर दी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको, तो आगे बढ़ते हैं।
हु वॉज द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट. आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है. तो किसको प्राप्त है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, सेक्रेटरी को प्राप्त है, पॉलिटिकल एडवाइजर जो पीएम के हैं उनको प्राप्त है, या डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? कौन सा सही जवाब होगा मुझे आंसर करके बताइए, कौन सा सही जवाब हम लेंगे इसके लिए. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जो डेप्यूटी चेयरमैन जो है प्लानिंग कमीशन के, वो उनका उनकी रैंक जो होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है. प्लानिंग कमीशन के हेड कौन होते हैं? अगर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की बात करें, हेड की बात करें प्लानिंग कमीशन के, तो हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो हेड होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के. यहाँ तक आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि प्योरिटी ऑफ मेटल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ. क्या आपको एक धातु की शुद्धता का पता लगाना है कि जो गोल्ड या सिल्वर आपके पास जो है वो शुद्ध है या नहीं, तो हम कैसे पता लगाते हैं? उसका पता हम लगाते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से. तो ऑप्शन सी जो है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या पता लगाते हैं? इस प्रिंसिपल में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? हम डेंसिटी को देखते हैं कि जो मेटल आपको दिया गया, जैसे आपके पास गोल्ड आपको दिया, आपको उसकी शुद्धता का पता लगाना है, तो इस प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं कि डेंसिटी देखते हैं पहले कि उसकी डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी के हिसाब से हम उसकी शुद्धता का पता लगाते हैं. तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है. आगे देखिए, आंग सान सू की किस देश की निवासी है, कौन से देश से संबंध रखती हैं? आप सभी को पता है कि ये बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है. ये कहाँ से है? म्यांमार से है. तो ऑप्शन बी जो आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखिए, डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट डिजीज लाइक. ये डीपीटी जो वैक्सीन है वो कौन सी बीमारियों से बचाती है, कौन सी बीमारियों को रोकने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी तीन बीमारियां ऐसी हैं जिनको रोकने के लिए डीपीटी क्या है? एक वैक्सीन, एक ग्रुप ऑफ वैक्सीन है जो कि इन तीनों बीमारियों से आपको प्रिवेंट करती है. तीनों बीमारियाँ हैं डायथीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस. डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस जो बीमारियाँ हैं उनसे ये वैक्सीन बचाते हैं डीपी. तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा. आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस किस ने सही जवाब दिया इस ऑप्शन का. राहुल, दीपिका, लोकेश, अनूप, हैप्पी, पवन, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का जवाब दें आप. ये द फर्स्ट कंट्री हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वॉज. आपसे पूछा गया है कि विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी. तो आप सभी को पता है भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी. और वास्को डी गामा कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे. तो ऑप्शन ए जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा. पुर्तगाल जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा. 1498 के अंदर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ये आपको यहाँ पे याद रखना. और वो कहाँ से संबंध रखते हैं? पुर्तगाल के निवासी थे, पुर्तगाल से वो भारत में आए थे, भारत की खोज उन्होंने की थी. अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है. डायमंड्स आर प्राइज्ड हायर देन वाटर बिकॉज, कि पानी का जो मूल्य, हीरे का जो मूल्य होता है वो पानी से अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी की आवश्यकता तो हमें पल पल, हर एक मिनट में हमें पानी की आवश्यकता बढ़ती है, लेकिन हीरा जो है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है, उसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, वाटर का क्यों नहीं, इसका रीज़न क्या है? इसका देखिए एक सीधा सा रीज़न है. इसका रीज़न है आपका ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आप देख लीजिए, इसको मैं समझाती हूँ आपको. देखिए पानी जो है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, कि पानी को आप, आपकी डेली की डिमांड रहती है, लेकिन हीरा जो है आप, कुछ लोग उसको ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी ले पाते. तो काफ़ी मतलब इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्र जो थे उन्होंने इसको समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्या रीज़न है कि हीरा इतना महंगा और पानी इतना महंगा नहीं है. तो इसका रीज़न उन्होंने ये दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी, इस सीमांत उपयोगिता का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया. उसके मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ से कितना संतुष्ट हैं. आप पानी के पास, पानी आपको फ्री में मिल जाता है, पानी आपको आसानी से मिल जाता है, तो आप उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है. अगर आपको एक्स्ट्रा पानी भी दिया जाए तो आप इतना संतुष्ट नहीं हो पाएंगे. लेकिन डायमंड जो है वो एक लग्जरी काइंड ऑफ थिंग है, तो आपको हमेशा मन में रहेगा कि मुझे डायमंड परचेज करना है. तो आपको अगर डायमंड मिलेगा पानी की जगह, तो आप डायमंड को चूज़ करेंगे, ना कि आप पानी को चूज़ करेंगे. तो ये इसके पीछे रीज़न है कि द मार्जिनल यूटिलिटी टू बायर्स इज हायर देन दैट ऑफ अ वाटर. तो ये रीज़न है कि वाई द डायमंड्स आर प्राइस्ड हायर देन वाटर. यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका. इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज. आपसे पूछा गया है कि इथेनॉल जो होता है उसमें अगर 5% वाटर होगा तो उसको क्या, किस नाम से जाना जाएगा? तो किस नाम से उसको जानेंगे?
तो रेक्टिफाइड स्पिरिट ऑप्शन सी जो होगा आपका सही जवाब होगा। रेक्टिफाइड स्पिरिट को में क्या होता है, 95% अल्कोहल होता है। तो आप देख सकते हैं कि अल्कोहल की मात्रा कितनी ज़्यादा है, 95% अल्कोहल है, 5% वाटर है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, प्योर अल्कोहल भी हम देते हैं कि प्योर अल्कोहल की मात्रा उसके अंदर है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, of the foreign lands uses which restricted to special economic zones, तो SEZ special economic zone जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्या होता है बेसिकली। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपको नाम से पता लग रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, कि इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ऐसे क्या अधिकार दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं आंसर पहले। फ्री ट्रेड सेंटर्स, कि विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने के लिए बाहर से कंपनी आए और इंडिया में निवेश करे उसके लिए कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, जिसमें क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट रेट कम दिया जाएगा, लोन कम मात्रा पे दिया जाएगा, सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी ताकि बाहर से ज़्यादा कंपनियाँ आगे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें। तो फ्री ट्रेड सेंटर, यहाँ पे जो ट्रेड जो होगा उसमें आपकी कॉस्ट बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल कॉस्ट होती है। तो ऑप्शन बी जो आपका इस क्वेश्चन की सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्राज़ील करंट इज कॉल्ड, आपसे पूछा गया है कि ब्राज़ील की धारा के पूर्व की ओर निरंतरता को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको नाम दिया जाता है साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। आपको बस एक नाम याद रखना है कि द ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्राज़ील करंट, जो ब्राज़ील से जो उत्पन्न होता है करंट उसके निरंतरता को क्या कहा जाता है, उसको कहाँ होता है, वो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट की तरफ वो मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, Who are the price takers under perfect competition? आपसे पूछा गया कि पूर्ण प्रतियोगिता के तहत मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो कौन करता है इसका जवाब दीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कौन करता है, ये करते हैं फर्म, आपके जो फर्म जो होती है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपनी मनचाही कॉस्ट के ऊपर आपको कोई भी सामान बेच सकते हैं। जब एक परफेक्ट कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब क्या है कि मार्केट में लोग खरीदने वाले बहुत है, कंपटीशन बहुत है एक चीज़ को खरीदने के लिए, तो ऐसे में दुकानदार क्या सोचेगा कि मैं अपनी चीज़ को महंगे से महंगे दाम में बेचूँ। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, इस किसको होगा, फर्म को यहाँ पर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर, संचार उपग्रहों का इस्तेमाल किसमें जाता है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो इसका सही जवाब होगा रिसीव एंड रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल, कि रिसीव करने के लिए और वापस भेजने के लिए। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कम्युनिकेशन के लिए ही, कम्युनिकेशन तो होगा लेकिन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए और सिग्नल्स को वापस भेजने के लिए, दोनों ही चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी जो आपका सही जवाब है। What is the first sermon of Buddha called as? ये बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है बुद्ध के प्रथम उपदेश को, तो क्या नाम दिया जाता है, देखिए इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता जो है ये नाम दिया गया था। बुद्ध जो, गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था, कहाँ पे दिया था अपना पहला सर्मन, उन्होंने सारनाथ के अंदर दिया था, सारनाथ के अंदर उन्होंने पहला उपदेश जो दिया था उसका नाम था धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता। तो ऑप्शन बी जो आपका होगा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पवन, दीपिका, उषा, हैप्पी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, कि वेयर आर द टोडास फाउंड, आपसे पूछा गया है कि टोडा कहाँ पाए जाते हैं, कौन से राज्य के अंदर पाए जाते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, तमिलनाडु, राजस्थान, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, कौन से राज्य में पाए जाते हैं ये, जल्दी से जवाब दीजिए। उषा, दीपिका, बिल्कुल सही जवाब दिया पिछले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, 34 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए इसके लिए सही होगा। टोडास क्या है, एक प्रजाति है जो कहाँ पाई जाती है, जो नीलगिरी जो हिल्स जो है तमिलनाडु के अंदर वहाँ पे जाती पाई जाती है, तो टोडास जो है इसके लिए आपका तमिलनाडु जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि द वन स्ट्रो रिवॉल्यूशन वॉज रिटन बाय, आपसे पूछा गया है कि वन स्ट्रो रिवॉल्यूशन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, लिखी गई है ऑप्शन डी, मसानोबु फुकुओका जो है उन्होंने इस बुक को लिखा गया है वन स्ट्रो रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने किसके बारे में बताया है, नेचुरल फार्मिंग के बारे में, नेचुरल फार्मिंग हो या आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, उन्होंने पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इनके लिए मना किया है कि जब फसल उगाने के लिए इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। अभिषेक कुमार पूछ रहे हैं मैम टाइमिंग क्या है टेस्ट का, तो 6 PM जो है वो मेरा टाइमिंग है टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब था कि नेचुरल फार्मिंग पे उन्होंने जोर दिया गया है कि
ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करने चाहिए, इसके लिए उन्होंने बुक लिखी है वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन, मसानोबा फुकुओका के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट द बुक वाई सोशलिज्म, आपसे पूछा गया है कि वाई सोशलिज्म किताब किसने लिखी है। सोशलिज्म होता है समाजवाद, ठीक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। इन्होंने ये बुक क्यों लिखी है, क्योंकि जेपी नारायण जो थे इन्होंने एक पार्टी की फॉर्मेशन की, देख पार्टी बनाई थी जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी अपने फ्रेंड के साथ मिलके, तो इसलिए उन्होंने बुक लिखी वाई सोशलिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, हाइपोथर्मिया अकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू सडन लो बॉडी टेम्परेचर इन, आपसे पूछा गया निम्न में से किस में शरीर का तापमान अचानक कम हो जाने के कारण शरीर से अत्यधिक ऊष्मा निकल जाने की वजह से अल्प तपावस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, किसके अंदर ऐसा होता है। हाइपोथर्मिया जो है आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिलता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। देखिए ह्यूमन बॉडी का जो मिनिमम टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर मानते हैं वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है तो आपकी बॉडी से एक्सेसिव हीट बाहर निकलती है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, आपका शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो ये कंडीशन क्या होती है, हाइपोथर्मिया। अगले क्वेश्चन का जवाब दे, द डिजीज दैट हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इज, वह बीमारी जो दुनिया से समाप्त कर दी गई है कौन सी ऐसी बीमारी है, लेप्रोसी है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है। जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सी बीमारी है जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, अभी दुनिया में नहीं है, तो ये है स्मॉल पॉक्स, चेचक जो बीमारी है उसको समाप्त कर दिया गया है, तो स्मॉल पॉक्स जो है आपके इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद, आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है, मान लीजिए उनको हटा दिया गया है, उन्होंने रिजाइन इस्तीफा दे दिया गया है, उनकी डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में उनको पद को भरने के लिए कितना समय चाहिए होता है। तो संविधान में आर्टिकल 56 के अंदर दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो उसको भरने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है, 6 महीने में दोबारा से राष्ट्रपति की नियुक्ति की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआई डे इज मार्क ऑन, आपसे पूछा गया है कि एनआरआई दिवस भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किसके सम्मान में मनाया जाता है, इस दिन महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे, कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 के अंदर साउथ अफ्रीका से भारत आए थे महात्मा गांधी, तो उन्हीं की याद में इस डे को मनाया जाता है 9th जैन को एनआरआई दिवस में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ब्लड इज, आपसे पूछा गया कि ब्लड जो है इनमें से कौन सा एक उत्तक है, कौन से उत्तक का एग्जांपल है, जल्दी से जवाब दे मुझे, ब्लड जो है वो कौन से उत्तक का एग्जांपल, काफी सिंपल क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है यहां पे। ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, जोड़ता है, ब्लड जो है पूरे बॉडी में आपके फ्लो करता है, तो उसी से आप एक आइडिया लगा लीजिए, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, एक संयोजी ऊतक है, आपकी पूरी बॉडी में चाहे वो ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो या कह लीजिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो, तो पूरी बॉडी में वो ट्रांसफर कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एक कनेक्टिव टिश्यू हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नेचुरल डिजास्टर इन विच कार्बन डाइऑक्साइड सडनली इरप्ट फ्रॉम अ डीप लेक वाटर इज नोन एज, आपसे एक वह प्राकृतिक आपदा यहाँ से पूछी गई है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अचानक एक गहरी झील से पानी से बाहर निकलने लगता है, तो ऐसी कौन सी प्राकृतिक आपदा होती है, उसका नाम आपको यहाँ पे बताना, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, क्या नाम उसका होगा, क्या कहा जाता है उसको, कहा जाता है लिम्लनिक, ऑप्शन डी जो आपका सही है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक लेक है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलने लगती है, तो आसपास के वाइल्ड लाइफ जो है, एक्वेटिक जो है, पौधे जो है वो मर जाते हैं इसकी वजह से, तो ऑप्शन डी ये कंडीशन कहलाते हैं, लिम्लनिक जो कंडीशन होती है उसके अंदर ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ऐसा क्यों होता है कि स्टील जो है वो बहुत इलास्टिक होती है रबर से, रबर तो काफ़ी सॉफ्ट होता है बट फिर भी जो रबर इतना लचीला नहीं होता, स्टील इतना इलास्टिक क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीजन है कि इस डिफॉर्म्ड वेरी इजली, स्टील जो है उसको आप आसानी से विकृत कर सकते हो, उसमें मॉडिफाई कर सकते हो, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, लेकिन रबर जो होता है वो क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आपके स्क्रीन पे द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, आपसे पूछा गया है
कि इनमें से कौन सा जो है गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं, इसका जवाब दे आप मुझे। 44 क्वेश्चंस का जवाब दे, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में भी यूज आता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, आपसे पूछा गया कि अम्लीय वर्षा जो होती है वो किसकी वजह से होती है, कौन कौन से एसिड्स जो है अम्लीय वर्षा के अंदर होते हैं। आप सभी को पता होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन डी जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टेन ऑफ रस्ट ऑन क्लोथ्स कैन बी रिमूव बाय, कि कपड़े पर जंग के दाग अगर लग जाते हैं तो उसको रिमूव कैसे किया जाता है, जल्दी से जवाब दे। हैप्पी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया 45th क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करें कि स्टेन ऑफ रस्ट ऑन क्लोथ कैन बी रिमूव बाय, कैसे रिमूव करेंगे हम, किसकी हेल्प से रिमूव करेंगे। देखिए रस्ट जंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे आयरन होगा, मतलब आप एक कपड़ों पे आयरन लग गया है, आयरन के साथ क्या मिक्स किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड रिमूव करने उस पर अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो आपके जो कपड़ों से जंग जो है आयरन जो है वो हट जाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपको इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डिड मदन मोहन मालवीय टेक लोन फॉर फाइनेंसिंग द हिंदुस्तान टाइम्स, आपसे पूछा गया कि मदन मोहन मालवीय ने कौन से बैंक से लोन लिया था कि उन्होंने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था द हिंदुस्तान टाइम्स उसको फाइनेंस कर सके, तो कौन से बैंक से लोन लिया था, ये लोन लिया था उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से। उन्होंने जब ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था तो उनको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो उन्होंने 50,000 रुपीज़ का लोन लिया था उस वक्त पंजाब नेशनल बैंक से, तो ऑप्शन ए जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेमिक स्पीशीज, आपसे पूछा गया कि एक स्थानिक प्रजाति कौन है, ऐसी एक प्रजाति जो कि केवल उसी एक एरिया में मिलती है, एक स्पेसिफिक एरिया में ही आपको देखने को मिलती है, तो उस प्रजाति का नाम बताएं आप मुझे, जल्दी से जवाब दें। हॉर्नबिल, इंडियन राइनो, पिंक हेड डक, निकोबार पिजन, कौन सा इसके लिए सही जवाब होगा, जल्दी से जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के लिए हम सही जवाब क्या लेंगे, इसके क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हॉर्नबिल। ऑप्शन ए जो हॉर्नबिल जो प्रजाति है ये सिर्फ कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है आपको वेस्टर्न घाट्स के अंदर, तो ऑप्शन ए जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। उषा, शिवा, हैप्पी, पुनीत, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन का भी आप आंसर अटैम्प्ट कीजिए कि एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी है, तो हॉर्नबिल जो आपकी स्पीशीज़ है वो एक एंडेमिक स्पीशीज़ है जो वेस्टर्न घाट्स के अंदर आप उसको देख सकते हो, वहाँ पे मिलती है, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय, आपसे पूछा गया कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो ये मैंने आपको एक वीडियो में पूरा ब्लड ग्रुप मैंने करवाया हुआ है, पूरा ब्लड ग्रुप मैंने समझाया था अच्छे से, तो आप मुझे इसका जवाब दें किसके द्वारा खोज की गई थी ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप सिस्टम आपका क्या है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसकी खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, ऑप्शन बी जो होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा। कार्ल लैंडस्टीनर जो है उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो सिस्टम जो है उसकी खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, सुवेंदर, अमरेंद्र, अर्जुन, प्रीतम, योगेश, बिल्कुल सही जवाब आपका। अब अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वेदर आई अर्न योर वोट इज नोन एज और नॉट, आई हैव लिसन टू यू, हैव लर्न फ्रॉम यू, यू हैव मेड मी अ बेटर प्रेजिडेंट एज सेड बाय, आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, मुझे आपका वोट मिला, यह ज्ञात हो अथवा नहीं लेकिन मैंने आपको सुना है, आपसे सीखा है और मुझे एक बेहतर राष्ट्रपति आपने बनाया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया, किसने ये कथन कहा था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह कथन कहा गया था बराक ओबामा के द्वारा, तो ऑप्शन ए जो है जब वो राष्ट्रपति बने थे बराक ओबामा 2012 के अंदर, उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन उन्होंने जीत लिए थे, तो उन्होंने अपनी विजय विक्ट्री के ऊपर अपने जीत के ऊपर उन्होंने कहा था कि मुझे आपका वोट मिला, यह ज्ञात हो या नहीं लेकिन मैंने आपको सुना है, आपसे सीखा और आपने मुझे एक अच्छा राष्ट्रपति बनाया है, तो यह कथन उनके द्वारा कहा गया था। ये अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, तो 2012 में जब उन्होंने इलेक्शन जीता था उस टाइम पे उन्होंने ये कथन कहा था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी अपनी। आज के क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं और डेली आप क्वेश्चंस देखते रहिए। तो सभी को बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे।